ये हाई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जेड ट्रांसफॉर्म का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वेलकम टू वीडियो नंबर वन, जहां पे हम जेड ट्रांसफॉर्म का बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों देखने बाद हम क्या करेंगे, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को अपन यहाँ पे डिराइव करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो जेड ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली यूज इन सॉल्विंग लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस। ओके, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म का अपन वहाँ पे हेल्प लेते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन पार्ट। इफ एनी फंक्शन यू एन बी डिफाइंड फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज दैट इज एन इक्वल्स 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट एंड यू एन इक्वल टू 0 वैन एन इज लेस देन 0। ओके, यू एन की वैल्यू 0 कब होगी, जब एन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। देन इट्स जेड ट्रांसफॉर्म is defined to be z transform of u n is equals to u of z and that is equals to summation n equal to 0 to infinity u n into z to the power minus n। हमको u n का z transform निकालना है। तो यहाँ पे जो z लिखा हुआ ये अपना क्या है, z ये अपना है z transform, but यहाँ पे जो z लिखा हुआ that is small z, ये अपना z transform नहीं है। ओके, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ u n लिखो या फिर u ऑफ z लिखो, दोनों को अपन क्या बोलेंगे, z ट्रांसफॉर्म ऑफ u n बोलेंगे। एंड दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी u n इनटू z टू द पावर माइनस n, है ना। देखो यहाँ पे ये अपना क्या है, स्मॉल z है, z लिखा हूँ बीच में एक हल्का सा लाइन ड्रॉ करके हूँ, दैट इज स्मॉल z। लेट्स सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को पुट अप करेंगे, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4। तो आपको क्या मिलेगा, जब आप n की वैल्यू को 0 पुट अप करते हो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा u 0 एंड z टू पावर 0, दैट इज z टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये अपना हो जाएगा u 0 प्लस, यहाँ पे अपन जब n की वैल्यू को 1 पुट अप करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये u 1 हो जाएगा और यहाँ पे अपना बन जाएगा z टू पावर माइनस 1। इन द सेम वे n की वैल्यू अपन जब यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे तो दिस विल बिकम u 2 इंटू z टू पावर माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस पावर नेगेटिव को अपन जब नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, यू जीरो प्लस यू वन अपॉन जेड प्लस यू टू अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। जिस तरीके से हमने क्या किया था, इस यू वन का जेड ट्रांसफॉर्म निकाला हुआ था, दैट इज यू ऑफ जेड एंड दैट इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी यू एन इंटू जेड टू पावर माइनस एन। उसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, सो वी कैन से द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इज रिटन एज, देखो हमको क्या निकालना है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हमको इस जेड को जब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा दिस विल बिकम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, सो इस जेड को अपन जब यहाँ पे लेके आएंगे दैट इज इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू एन। ओके, इस जेड को अपन यहाँ पे लेके आ गए तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, यू एन बचेगा। तो हम क्या बोलेंगे, द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इज रिटन एज इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू एन। इफ वी पुट ए पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन कौन सा, ये वाला इक्वेशन वन अपने पास, ठीक है। द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दस द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जेड, ओके, अगर हमारा जेड यहाँ पे अगर क्या है, कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस केस में जो हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म आएगा, ओके, तो हमारे पास जो उसका जेड ट्रांसफॉर्म आएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन बोलो या फिर यू ऑफ जेड बोलो, दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ओके, तो अब जो हम क्या करेंगे, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को अपने यहाँ पे डिराइव करेंगे, सम स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म्स। यहाँ पे हम दो फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। ओके, दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू पावर एन इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड माइनस ए। देखिए यहाँ पे स्मॉल जेड है ना ये, क्योंकि जेड के अंदर में क्या लिखा हूँ मैं, एक लाइन ड्रॉ किया हूँ मैं, तो इसमें क्या है, स्मॉल जेड है। एंड दूसरा फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू द पावर पी इज इक्वल्स टू माइनस जेड डी अपॉन डी जेड ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू द पावर पी माइनस वन। ओके, मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू द पावर पी इज इक्वल्स टू माइनस जेड, ये अपने क्या स्मॉल जेड है, डी बाई डी जेड, ओके, डी बाई डी जेड ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू द पावर पी माइनस वन। ओके, तो एक एक करके अपन इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले वाले का अपन यहाँ प्रूफ करेंगे, सो वी नो बाई डेफिनेशन दैट इज z transform of u n is equals to summation n equal to 0 to infinity u n into z to the power minus n। अब यहाँ पे अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूँ, ओके, अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, u n दैट इज a to the power n। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि दैट इज हियर u n is equals to a to the power n। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये
जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 0 to infinity ए टू पावर एन इंटू जेड टू पावर माइनस एन, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे यू एन की जगह पे ए की पावर एन को अपन यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जेड की पावर माइनस एन है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको नीचे लिख सकते हैं, दैट इज समेशन एन इक्वल टू 0 to infinity ए टू द पावर एन अपॉन में जेड टू द पावर एन। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, समेशन एन इक्वल टू 0 to infinity। अब यहाँ पे देखो ए की पावर एन, यहाँ पे जेड की पावर एन है, तुम क्या किए ए अपॉन जेड पावर एन अपन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब एन की वैल्यू को अपन यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 पुट अप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे कि अपन यहाँ पे एन की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए अपॉन जेड की पावर 0 दैट इज 1, एन की वैल्यू अब हम क्या पुट अप करेंगे 1 पुट अप करेंगे तो क्या होगा, ये ए अपॉन जेड पावर 1 दैट इज ए अपॉन जेड। फिर एन की वैल्यू अपन 2 पुट करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, ये प्लस ए अपॉन जेड पावर 2 प्लस एन की वैल्यू अपन जब यहाँ पे 3 पुट किए तो आपको क्या मिलेगा, ए अपॉन जेड पावर 3 मिलेगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखोगे तो एक दो चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, दो फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसको अपन यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एक बार देख लो, समेशन एन इक्वल टू 0 to infinity एक्स टू पावर एन, यहाँ पे अपन जब एन की वैल्यू को 0 पुट किए तो यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला, एन की वैल्यू को 1 पुट किए तो मुझे क्या मिला, एक्स मिला, एन की वैल्यू को 2 पुट किए तो अपने क्या मिला, एक्स स्क्वायर, है ना, फिर क्यूब में एक्स क्यूब मिलेगा। तो ये क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाइनोमियल दैट इज 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1। उसी तरीके से आप यहाँ पे समेशन एन इक्वल टू 0 to infinity माइनस 1 पावर एन इंटू एक्स पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, इफ यू पुट एन इक्वल टू 0 हियर तो ये माइनस 1 पावर 0 विल बी 1, और ये यहाँ पे आने पे क्या होगा, ये अगेन 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। अब एन की वैल्यू अपन जब यहाँ पे पुट अप करेंगे, एन की वैल्यू 1 जब अपन यहाँ पुट अप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस 1 मिलेगा, ओके। फिर ये अपने क्या होगा, एक्स की पावर 1 दैट इज एक्स हो जाएगा। फिर अपन जब यहाँ पे एन की वैल्यू को 2 पुट अप करेंगे तो अपने ये क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा, ओके। और एन की वैल्यू अपन जब यहाँ पुट अप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कैसा सीरीज बन रहा है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये अपना क्या है, 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूले जो है आपने बाइनोमियल में पढ़ा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अपन दैट इसमें लिख सकते हैं, इसको हम दैट इसमें लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या होगा अपना, ये 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स अपना क्या है, ए अपॉन जेड है, फाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1, जहाँ पे एक्स अपना क्या है, ए अपॉन जेड है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 माइनस ए अपॉन जेड पावर माइनस 1, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पावर माइनस 1 तुम क्या कर सकते हो, उसको नीचे लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस ए अपॉन जेड, ओके। अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो अपने क्या मिलेगा, ये 1 अपॉन जेड माइनस ए अपॉन जेड हो जाएगा। अब इस जेड को अपन जब ऊपर लेके आएंगे तो अपना क्या बन जाएगा, ये जेड अपॉन में जेड माइनस ए। तो हम यहाँ पे फाइनली क्या कह सकते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में जेड माइनस ए, ओके। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो जेड लिखे है ये अपने क्या है, स्मॉल जेड है, ओके। तो अपन आएंगे अब दूसरे वाले प्रूफ पे। अब सेकंड जो प्रूफ अपने को करना, दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू द पावर पी इज इक्वल्स टू माइनस जेड डी अपॉन डी जेड ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू द पावर पी माइनस 1, ओके। तो हम इसको जल्दी सब प्रूफ कर लेते हैं। सो बाय डेफिनेशन वी हैव जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल टू 0 to infinity यू एन इंटू जेड टू पावर माइनस एन। अब यहाँ पे जब इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मिलेगा दैट इज यू एन, उसकी वैल्यू अपने यहाँ पे क्या है, एन टू पावर पी है, फाइन। सो हियर वी कैन राइट दैट इज यू एन इक्वल्स टू एन टू पावर पी। तो अब ये अपना देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू पावर पी इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल 0 to infinity यहाँ पे अपन लिखेंगे एन टू पावर पी इंटू जेड टू पावर माइनस एन, ओके। अब इसको अपन थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, समेशन एन इक्वल टू 0 to infinity यहाँ पे हम क्या किए, एक एन को बाहर निकाल दिए, ओके, दैट इज एन इंटू, यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, एन की पावर पी माइनस 1। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जेड को बाहर निकाल लेंगे, दैट इज जेड इंटू जेड टू पावर, देखिए यहाँ पे क्या था, माइनस एन था, एक जेड को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एन माइनस 1, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, एक एन को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, एन इंटू एन टू पावर पी माइनस 1। उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, एक जेड को बाहर निकाल दिया तो जेड इंटू जेड टू पावर माइनस एन माइनस 1। अब यहाँ पे अपने पास समीशन में क्या है, एन इक्वल 0 to infinity है, तो देखो यहाँ पे एन है, ओके, यहाँ पे एन है और यहाँ पे एन है, इस वाले पार्ट में एन नहीं है तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं,
ओके, इसको जो हम यहाँ पे समेशन से बाहर लिख सकते हैं, तो जेड इंटू समेशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी एन इंटू एन टू द पावर पी माइनस वन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन माइनस वन. ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर वन. अगेन बाय डेफिनेशन वी हैव जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू द पावर पी माइनस वन, दैट इज समेशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी. यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला अपने पास क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी, ये यू एन को अपन यहाँ लिखते हैं इंटू जेड टू द पावर माइनस एन. उसी तरीके से अपन इसको यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज एन टू द पावर पी माइनस वन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन. नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो जब हम जेड के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो दिस विल बिकम डी अपॉन डी जेड ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू द पावर पी माइनस वन. ओके, यहाँ पर जो जेड लिखा है ये अपने क्या स्मॉल जेड है, ध्यान रखिएगा. दिस इक्वल्स समेशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी. ओके, यहाँ पर अपने क्या होगा, एज इट इज आएगा, बिकॉज हम क्या करते हैं इसको जेड के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये अपना क्या कॉन्स्टेंट हो जाएगा, दैट इज एन टू द पावर पी माइनस वन. अब यहाँ से ओके दैट इज माइनस एन आ गया, अब यहाँ पर क्या होगा, जेड पावर माइनस एन माइनस वन. ओके ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ समेशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी एन, इस एन को पहले अपन यहाँ लिख लिए, इंटू एन टू पावर पी माइनस वन इंटू जेड टू पावर माइनस एन माइनस वन. ओके, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर टू. अब इसको जब मैं इससे कंपेयर करूँ, ओके ध्यान से देखिए, तो ये जो पूरा पार्ट है, ओके ये जो पूरा पार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, ये वाला पूरा पार्ट है. ओके, ये पूरा पार्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे नेगेटिव ऑफ दिस पार्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, इस नेगेटिव को अपन यहाँ पे लेके आएंगे, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डी अपॉन डी जेड ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू पावर पी माइनस वन, तो उसी अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं. ठीक है, सो फ्रॉम वन एंड टू वी कैन राइट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू पावर पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड डी अपॉन डी जेड ऑफ जेड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टू पावर पी माइनस वन, और यही चीज था जो हमको यहाँ पे प्रूव करना था. ठीक है, जहाँ पे ये पी अपना क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये बात आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, तो आगे के वीडियोस हम क्या करेंगे, आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो ये फॉर्मूले वन और फॉर्मूले टू से डिराइव होगा. ओके, तो थैंक यू सो मच.